कबाड़ है। गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी। गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई के दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। क्या बात है, एक ऐसा कवि हमारे बीच में उपस्थित है जिनका नाम ये बताने के लिए काफी है कि कविता हो तो कैसी हो। वाह वाह क्या बात है, मैं हम स्वागत करते हैं गोपाल दास नीरज का। पद्म भूषण श्री गोपाल दास नीरज, उनका यहां उपस्थित होना मतलब हिंदी कविता के लिए, कविता के कार्यक्रम के लिए, वाह वाह क्या बात है के लिए एक गौरव का क्षण होना। तो अनुरोध, पद्म भूषण श्री गोपाल दास नीरज से एक स्थान ग्रहण करें हमारे मंच पे और हम बजाएं उनके लिए जोरदार तालियां। क्या बात है भाई, जिंदगी के अंदर अगर आपके पास वेदों का ज्ञान है तो आपका ज्ञान प्रकाशित हो उठता है और अगर गोपाल की कृपा हो तो आदमी अजनबी नहीं रहता। तो आज यहाँ वेदों का प्रकाश भी है, गोपाल भी है, अजनबी भी है, तीनों यहाँ है, तो फिर वाह वाह क्या बात है। तो बताइए किसे बुलाया जाए कविता पढ़ने के लिए? ये जो है ना, ये मतलब कौन, ये जी थोड़े से रोलू पोलू से क्यूट से है, ये वाले जी, इनका नाम नहीं ले सकती? जी नाम तो ले सकते हैं, पर क्या है ना, भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हे भगवान, आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में किसका नाम नहीं लिया जाता? नहीं नहीं, आप वो बेचारा ऑलरेडी दो बच्चों का बाप है, मरवाओगे तू में से? अरे भारतीय संस्कृति उसके अलावा भी काफी सारी शिक्षा देती है। जैसे? जैसे अजनबियों का यूं नाम नहीं लेते, उनसे फटक से बात नहीं करते। ओ हो हो, आप अजनबी से बात नहीं करना चाहती लेकिन अजनबी की बात सुनना जरूर चाहती हैं। जरा आइए अपनी बातें सुनाइए वरना आपके घर में आतंक हो सकता है। आइए आइए। हमें हाथ से कहाँ कहाँ से मिल जाता है जी। आपने ट्रक देखे होंगे, उसके ऊपर तो इतनी सारी बातें लिखी रहती हैं, जैसे ऊपर लिखा रहता है पब्लिक कैरियर, हालांकि वो सामान ढोने के काम में आता है। पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इसलिए मैं सभी ट्रकों को बड़ी अच्छी नजरों से देखता हूँ। वैसे मुझे पता है ट्रकों को अच्छी नजरों से कोई भी नहीं देखता। मैं तो जब बाजार से निकलता हूँ मुझे लगता है सबके मुंह काले हैं, जरूर किसी ट्रक को बुरी नजरों से देखा हो। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती जी, ये ट्रक वगैरह तो अफ्रीका में भी चलते होंगे। अच्छा एक बात और भी है, अगर हमें कभी बाय चांस बुरी नजर डालनी ही पड़ी तो क्या हम ट्रक पर डालेंगे? सड़कों पर एक से एक हसीन, एक से एक सुंदर कारें घूमती रहती है। हाय हाय, उन पर नहीं डालेंगे? हमारा करेक्टर ऐसा थोड़ी हो गया जो ट्रक पर बुरी नजर डालेंगे। पता नहीं क्या क्या लिखते रहेंगे ट्रकों के पीछे, लिख देंगे देखो मगर प्यार से। ओहो, एक दिन मैं एक ट्रक को पूरे 1.5 घंटे तक देखता। मुझे एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जिसे प्यार से देखा जा सकता। ट्रक वगैरह है, दुर्घटना हो जाती है, करुणा का विषय है, पर कभी कभी हंसी आती है एक्सीडेंट देख के भी। गर्मियों की बात है, मैं शिमला जा रहा था, मैंने देखा एक ट्रक खाई में गिरा हुआ था और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। मैं कुछ और आगे गया, एक और ट्रक मिला, वो भी खाई में गिरा हुआ था लेकिन एक पेड़ के सहारे अटका हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था एक तेरा सहारा। अच्छा लोग बाग कभी कभी शौक में अपनी गाड़ियों के पीछे फिल्मों के नाम लिखवा लेते हैं जी। एक कार का और एक ट्रक का एक्सीडेंट था, कार के पीछे लिखा हुआ था सामन को आने दो। अच्छा, और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था आया सामन झूम के। आपने रेलों में बहुत यात्राएं की होंगी जी। मुझे तो ध्यान है एक जगह एक जंगल में ट्रेन 4 घंटे खड़ी हो गई,
एक व्यक्ति बोर हो गया, ड्राइवर के पास गया, बोले ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, मैं इस जंगल से फूल तोड़ के ले आऊं। ड्राइवर साहब बोले, अबे तुझे इस जंगल में कहीं फूल नजर आ रहे हैं? वो व्यक्ति बोला, जी फूल तो नजर नहीं आ रहे पर मेरे पास बीज हैं। भाई बहुत बढ़िया महेंद्र, आप जब तक गाड़ी चलाएंगे इनमें से फूल भी निकल आएंगे। एक बार मैं एक भीड़ भरी रेल में चढ़ा तो मेरे साथ क्या क्या हुआ जी? कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या, चढ़ाए गए। कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का यह हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। अच्छा, सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ कर उसमें सरका रहा था। बहुत अच्छे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। हाँ। मैंने कहा, क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला, आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 8 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाए। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरा में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुंच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं, हम ऐसी ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे आपके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए हम आपके पहले वाले एपिसोड के बुलवाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहुत बढ़िया महेंद्र, जैसे भी आपने कमाल कर दिया, लेकिन यही हमारे देश की विशेषता है। ये देखिए हमारे देश की संस्कृति है कि बच्चा किसी का रो रहा हो दूध आपको पिलाया जा रहा है, और ये हमारी संस्कृति है कि जैसा भी हो भीड़ हो लेकिन आदमी सफर कर ही लेता है, क्योंकि इसी संस्कृति के लिए गोपालदास नीरज जी ने एक जमाने में लिखा था कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो ये आदमी से प्यार करने वाले, हर व्यक्ति से प्यार करने वाली संस्कृति का देश है, और इस देश की संस्कृति को हम प्रणाम करते हैं आज नीरज जी की उपस्थिति में। और इस देश की संस्कृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे व्यंग की गुंजाइश बनती है, तो ऐसे एक व्यंगकार को हम बुलाना चाहते हैं जो हमारे बीच में उपस्थित है, भाई वेद प्रकाश वेद। महेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया कविताएं आपको सुनाई, ट्रक की यात्रा करवाई जी, बाद में फिर रेल की यात्रा करवाई, ऐसे में जबकि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं तो आम आदमी की बात करता हूँ, आपको एक साइकिल की यात्रा कराता हूँ जिसमें कोई खर्चा नहीं है। जी जी जी। जाते हुए को आती हुई नजर आ गई। अच्छा। साइकिल डायरेक्ट टकरा गई, लड़की बोली, संभलते संभलते देखकर भी नहीं चलते। हाँ। लड़के ने कहा, लगता है तुम्हें दिमाग से बिल्कुल ही लाचारी है, अरे बावली ये टक्कर देख कर ही तो मारी है। बहुत अच्छे।
और इसी गोत्र की एक कविता और सुनिए। लड़का लड़की के चक्कर में रोजाना 6 मील से आता था। अच्छा, उसकी मेहनत के लिए आप लोग तालियां बजाएं। मेहनत के लिए 6 मील। आपकी तालियां बजनी बहुत जरूरी इसलिए भी है कि आपकी तालियां हमारे लिए 7वें सिलेंडर का काम करती हैं। वाह 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 वाह। लड़का लड़की के चक्कर में रोजाना 6 मील से आता था, उसे छेड़ता था और एक ही गाना गाता था। अच्छा, तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा। लड़की को ये बातें बिल्कुल भी नहीं पचती थी, वो ऐसी वैसी बातों से बचती थी। सो मरती क्या ना करती, एक दिन डरती डरती अपने बाप को सारी बातें बता बैठी। बाप की मूछें गुस्से में ऐठी, बर्बाद होना उसकी किस्मत में है लिखा। अब कभी गा दे ये गाना दोबारा तो कहना घर बनाने की छोड़, तू खाली प्लाट लेकर ही दिखा। वाह वाह। 2 लाख रुपए गज का भाव है मेरी कॉलोनी में। पूरा का पूरा खप जाएगा, प्लाट के बदले खुद नप जाएगा। क्या बात है। वाह वाह वाह। और यदि हो ही जाए कोई अजूबा, पूरा कर ही ले वो अपना मंसूबा, तो बेटी तू भी निसंकोच उसको वर लेना, एक झटके में शादी कर लेना, क्योंकि वो लड़का जीवन के किसी भी स्तर पर फेल नहीं है। घर बनाना आज के जमाने में कोई खेल नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मुझे घर से अपनी एक घरबार वाली कविता याद आ गई जी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। असल में क्या होता है, कई बार आदमी गलत संगत में फंस जाता है। मुझसे ज्यादा ये कौन समझेगा कि आदमी गलत संगत में कैसे फंसता है। इन्होंने मेरे दिल की बात कितनी अच्छी तरह बयां की। क्या बात है। वो आदमी गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अच्छा, अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया, कल कहां से इतनी पीकर आया था? बोला, कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने पूछा, किनके साथ बैठ लिया? बोला, हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। 4 जा रहे थे एक मुर्दे को कब्रिस्तान में लेकर, एक का पांव एक कब्र के ऊपर पड़ गया तो दूसरे ने टोक दिया। बोला, अरे देख के चल, नीचे मुर्दा है। पहले वाला बोला, फिर ऊपर भी हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा रखा है। और अंत में मैं एक एक्सट्रीम कविता आपको सुनाता हूँ। एक्सट्रीम? हाँ। एक काला आदमी। अच्छा, देखिए उसका कालापन बताने के लिए शैलेश जी मैंने कितनी काली शाही खर्च की है। जी देखता हूँ। नेहा जी देखना आप भी, और जो बात जी, आपको अच्छी लगे इसी तरह आप मस्ती में सुनिए जिस मस्ती में सुन रही है। भाई ये भी कहिए कि साथ में समझिए भी। क्या गारंटी है। एक काला आदमी, बहुत ही काला, काला शाह, सुपर काला, अच्छा, जेट ब्लैक, ओहो, डबल अफ्रीकन, डबल अफ्रीकन, एल्डरसन ऑफ अमावस, औंधे तवे का ताऊ, पहाड़ी कौवे का परदादा,
कोयल संप्रदाय का दादू बंगाल का काला जादू वाह 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 तार कोल जिसके पैरों में भक्ति भाव से पसरता हो कोयला जिसका रूप रंग पाने के लिए सदियों तक जमीन के नीचे बैठकर तपस्या करता हो जिस दिन उस कालानुभाव के दर्शन हुए जमीन थमी रह गई अब इससे ज्यादा और क्या कहूँ इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी रह गई क्या बात है वाह वाह एक दुकान पर गया ना शर्म ना हया बोला गोरे होने की क्रीम है दुकानदार ने जैसे ही गर्दन इनकार में हिलाई तो कहने लगा फिर जूतों की पॉलिसी दे दे कम से कम चमक तो बनी रहेगी भाई मैं तो कहती हूँ इनको अभी कोई पोएट्री में चैलेंज नहीं कर सकता नहीं कर सकता बिल्कुल नहीं कर सकता वैसे आपने कभी किसी को चैलेंज किया हाँ मैंने किया था किसे मेरी टीचर को क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे चैलेंज कर लिया था बोले तुझ में हिम्मत है तो 100 में से 80 नंबर ला के दिखा मैंने कहा ऐसी बात मैंने बड़ा चैलेंज दिया मैं सारी कॉपी खाली छोड़ के आया और मैंने कहा आप में हिम्मत है तो पास करके दिखाऊंगा जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब रोमांच अपने चरम पे होता है जिंदगी में ईश्वर सबको सब कुछ दे लेकिन इंतजार की घड़ियां न दे लेकिन माफ कीजिएगा ये इंतजार तो हम ही ने आपको कराया इसके लिए हम माफी चाहते हैं मैं जानता हूं आप किसका इंतजार कर रहे हैं शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है इतना लोकप्रिय गीत जो किशोर दा ने गाया एस डी बर्मन साहब ने संगीत बद किया लेकिन यकीन मानिए ये इतिहास का क्षण है वो बंद सुनना जो किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है और हमें गर्व है कि आज वो गीत के बंद हमारे पास है जिस प्रोग्राम का नाम है वाह वाह क्या बात है चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है वो प्यार है वो प्यार है आधी रात जुहू पर उतर कर रहा हूँ चांद जमुकाम और वहीं टहल रखी हूँ फूल तितलियों की गोरी बांह थाम क्या बात है ऐसे वक्त आता है जो ज्वार वो प्यार है वो प्यार है वो प्यार है हाथ में ली दर्द की कलम आंसुओं में स्वप्न घोल घोल लिख रही हो पाती पी के नाम जब कोई कली लटों को खोल क्या बात है तब जो छेड़ता है दिल के तार वो प्यार है वो प्यार है वो प्यार क्या बात है गोपाल दास नीरज के इस देश में नहीं दुनिया में करोड़ों प्रशंसक होंगे और कुछ ऐसे प्रशंसक हैं नीरज जी जिनके खुद के लाखों प्रशंसक हैं और आपके एक ऐसे ही प्रशंसक को मैं यहां आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे खास मेहमान सुमित राघवन ये वाकई में मेरी खुशकिस्मती है कि आज वाह वाह क्या बात है कि इस एपिसोड में मुझे बुलाया गया जहां पर नीरज जी हैं तो ये मेरी खुशकिस्मती है मैं फिर एक बार नीरज जी आपको शत शत प्रणाम करूंगा सुमित आप तो खुद भी अच्छा गाते हैं क्यों ना इन्हीं के गाने से शुरुआत करें कुछ तो इन्हीं की एक फिल्म का एक मधुर गाना जो किशोर दा ने गाया था नीरज जी आपकी इजाजत हो तो ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली आओ ना तरसाओ ना आओ ना तरसाओ ना ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली ओ नीरज नैना आजरा आजरा तेरी लाज का
घूंघट खोल दूं खोल दूं। ओ तेरे आंचल पर कोई गीत लिखूं गीत लिखूं। ओ तेरे होठों में अमृत घोल दूं घोल दूं। जाने मन तू है कहां ओ मेरी शर्मिली आओ ना तरसाओ ना। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्रिलियंट ऑसम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नीरज जी के तुम्हें जाने कितने सुपरहिट सॉन्ग हैं, एक आध मुखड़ा अगर तुम सुना दो। एक बड़ा खूबसूरत प्रेम पुजारी एक फिल्म आई थी जिसका एक बहुत खूबसूरत गीत है, फूलों के रंग से दिल की कलम से अमर गीत है, अगर एक मुखड़ा वो सुना दो तो क्या बात है। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे के माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें। सुमित ने आपके खूबसूरत गाने को इतना खूबसूरत ढंग से गाया, क्या कहना चाहते हैं आप सुमित के लिए? ये कहना चाहता हूँ कि शायद मैं नहीं गा पाऊंगा ऐसा दिनों का लिया। किशोर कुमार की याद वही आ गई जी। एक बार घटना घटी कि मैं गया तो उनका नियम यह था कि रोज मेरे पास गाड़ी आती है सुबह 9 बजे। एक दिन गाड़ी नहीं आई, मैं पहुँच गया 10 बजे तो ऊपर दरवाजा खोल दिया उसने, देखा तो मैंने कहा दादा प्रणाम नमस्कार नमस्कार बहुत चुप 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 तब ये गीत बना दे इस प्रकार से जी। क्या बात है, और आज विशेष कृपा से सारे संस्थान बज रहे होंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी अपने संस्मरण हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल दास नीरज जी की एक पंक्ति जो मेरा ख्याल से 1000 बार से ज्यादा मैंने कही होंगी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, अरे मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य। गोपाल दास नीरज हमारे बीच में है। सम्मान एक ऐसा शब्द है जो किसी के भी जीवन में
सुख की सृष्टि करता है। लेकिन मित्रों, एक सम्मान ऐसा आज हम करने जा रहे हैं इस मंच पे, जिन्हें सम्मानित करते हुए हम सम्मानित हैं, हम गौरवान्वित हैं। तो आइए हम एक ऐसे क्षण की रचना इस मंच पे करें और ये कहें, गोपाल दास जी 21वीं सदी में आप पैदा हुए, इसलिए सदी के लिए वाह वाह क्या बात है। खुशी शायद छोटा लफ्ज होगा जब मैं ये कहूं कि मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने नीरज जी को सम्मानित किया। ये एक ऐसा क्षण है जैसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन नीरज जी के सम्मान के वक्त एक साक्षी और है जो नीरज जी के जीवन की शायद सबसे खूबसूरत कविता है, शशांक प्रभाकर जो नीरज जी के पुत्र यहाँ है। मैं चाहता हूँ वो इस मंच में हमारा साथ दें। शशांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। धन्यवाद शैलेश जी। एक पिता के सामने मैं चाहता हूं कि पुत्र चार पंक्तियां कि मौत तो मैंने इस मुट्ठी में दवा रखी है। हाँ। कि मौत तो मैंने इस मुट्ठी में दवा रखी है और ये जिंदगी गीतों में सजा रखी है, कोई तलवार मुझे काट नहीं सकती है, मेरे माथे पे मेरे माँ बाप की दुआ रखी। क्या बात है, वाह 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 वाह। नीरज जी, हालांकि आपने अपनी कविताएं सुना ही दी है, पर फिर भी आप समक्ष बैठे हैं तो मन नहीं भर रहा, कुछ और सुनाइए प्लीज। प्लीज 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 नीरज जी, नीरज जी प्लीज। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। क्या बात है। तो मजहब कोई, नीरज जी कहते हैं कि अब तो मजहब ऐसा कोई चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। नीरज जी, आपने तो वो मजहब चला रखा है, कविता का मजहब। कविता इंसान को इंसान बनाती है और कविता का मजहब आम आदमी को किस तरह एक दूसरे से जोड़ता है, आइए देखते हैं। तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, सर प्लीज डायल 123 फॉर बैलेंस इंक्वायरी। बर्फीली रात में चलती है लू, हा हा ही हू हू। पानी के बिना जीती नहीं फिश, मम्मी जब चिल्लाए पापा की हो जाती है टाई टाई फिश। मैं जब भी पार्टियों में जाता हूँ कविता सुनाता हूँ और छा जाता हूँ, इसी बहाने 10 आदमियों का खाना खा जाता हूँ। तुमने प्यार किया, मैंने प्यार किया, अब तो बिचार छोड़ो, हिसाब जो बराबर हो गया। ये जो तुम्हारे गुलाबी होंठ, गोरे गाल और काला तिल है, तुम्हारे मेकअप के चक्कर में आया हुआ 20,000 का बिल है। पापा बोले इट्स टाइम टू डिस्को, मम्मी बोली बर्तन ना निकिसो। वाह वाह क्या बात है, क्या कमाल के लोग हैं। मैं तो कहती हूँ इनमें से कई लोग यहाँ आके कविता पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए भी। भाई छुपे रुस्तम तो हर जगह, और ऐसे ही एक छुपे रुस्तम को आज हम इस वाह वाह क्या बात है के मंच पे बुला रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के एक बेहद छोटे से गांव अखोदिया मंडी में रहते हैं, गोविंद राठी। चार पंक्तियों से शुरू करता हूं कि बरसात सही पर प्यार के मौसम तो हो गए, मेरी जिंदगी के गम कुछ कम तो हो गए, और इतनी मोहब्बतों से जो पुकारा आपने, हम ढके छुपे ही सही रुस्तम तो हो गए। हाय हाय क्या बात है। हिंदुस्तान में पतियों की हालत बहुत खराब हो चुकी है, वो एक प्रताड़ित पति मेरा मित्र महेंद्र सुनो मुझसे सिर्फ इसलिए ईर्ष्या रखता है कि जब भी मेरे घर आता है मेरी पत्नी के हाथ के बनाए हुए तरह तरह के पकवान चखता है। एक दिन मुझसे बोला, यार राठी भाई, भाभी जी हर वक्त ही किचन में रहती है, तुमने ऐसा जादू क्या कर रखा है। मैंने कहा कुछ खास नहीं, मैंने घर का एक मात्र आईना किचन में ही लगवा रखा। बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये परेशानियां और बढ़ जाती है जी जब यूं होता है कि सुबह सुबह बच्चे को हमने डांट दिया कसकर, बच्चा रोता हुआ पहुंचा श्रीमती जी के पास लपक कर,
श्रीमती जी बोली, सुबह सुबह आपका बच्चों को डांटना मुझे तो अखर रहा है। मैंने कहा मैं और क्या करता, ये गधे पे बैठने की जिद कर रहा है। अच्छा। गधे पे बैठने की जिद कर रहा है। पत्नी बोली अभी बच्चा है, बड़ा होके सुधर जाएगा, और दो चार मिनट कांधे पर बैठा भी लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और दो पंक्तियां कहीं चिंतन की कि तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, मुझे भी अपनी श्रीमती जी का यह तर्क बहुत जचा है, क्योंकि गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते आखिर आदमी और गधे में क्या फर्क बचा है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गोविंद। जिस शख्स के हम सामने कविता पाठ कर रहे हैं, आदरणीय नीरज जी, अगर मैं उनके पैरों की रज भी बन सका तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं ऐसे मौके पर आठ पंक्तियों का एक व्यंग आपको समर्पित करता हूं। स्वागत स्वागत। कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। अच्छा। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई, एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। बहुत अच्छे, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत अच्छे। मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई, इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहाँ और कैसे लगानी है मुझे कि आप समझाएंगे। भाई वाह 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 गोविंद, बहुत अच्छे, आग कहाँ और कैसे लगानी है मुझे ये कि आप समझाएंगे। अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं, और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 भाई गोविंद, बहुत बढ़िया, बहुत। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 65 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। आए 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 आए, क्या बात है गोविंद, बहुत बढ़िया। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा ही कोई दूसरा हुआ होता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मैं हौसले की चार पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूं, पढ़ता हूं कि एक दिए का साथ है और ये अंधेरी रात है। वाह। एक दिए का साथ है और ये अंधेरी रात है, पर भला इन आंधियों की क्या यहां औकात है। क्या बात, जब तलक भी हम जिए ये सर उठाकर। जिए कि सारी दुनिया कह उठे
वाह वाह क्या क्या बात है भाई, वाह वाह, धन्यवाद, थैंक यू भाई गोविंद। तय बात है कि सारी दुनिया आज तुम्हें सुनने के बाद कहने वाली है कि वाह वाह क्या बात है गोविंद जी। और गोविंद मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण प्रदान करने जा रहा हूं जिसके लिए तुम मुझे हमें और हमारे शो को जीवन भर याद रखोगे। आज गोपाल दास नीरज तुम्हें ये प्रोत्साहन चिन्ह प्रदान करेंगे। जोरदार तालियों के साथ गोविंद राठी। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, कविता आती कहाँ से है? कविताएं तभी आदमी लिख सकता है जब उसके भीतर संस्कार हो, भाषा के, संस्कृति के। प्रणाम है हमारे देश के माताओं पिताओं को जो हमारे भीतर ऐसे संस्कार भरते हैं कि हम इस देश में ऐसी कविताएं सुनते हैं जैसे नीरज जी लिखते हैं। आप बचपन से कविताएं पढ़ते हैं जी, कभी आपकी ऐसी कोई इच्छा जो आपने कभी व्यक्त न की हो या इच्छा हो कि ऐसा कभी कुछ हो? अभी हम संस्कारों की बात कर रहे थे, मेरी इच्छा सिर्फ इतनी सी है कि मेरे माता पिता और मेरा परिवार जिनसे मुझे संस्कार मिले कभी हमें वो काम करता हुआ देखें, देखें कि हम किस तरह से कविताएं कहते हैं। अच्छा, तो बहुत बहुत आदर और सत्कार के साथ आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। दर्शकों, आज की ये घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ जो खड़े हैं, यहाँ जो उपस्थित है, हमारे महानुभाव शैलेश लोढ़ा के पिताजी, माताजी, धर्मपत्नी और उनकी जान, उनकी बच्ची यहाँ पे मौजूद है। ज्यादा न बोलते हुए एक ही चीज पूछना चाहूंगी, मिस्टर तारक मेहता, आज आप क्या फील कर रहे हैं? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1981 में मैंने शुरू किया था और तब से लेके आज तक मेरी माँ ने मुझे कभी परफॉर्म करते नहीं देखा। आज पहली बार 32 सालों में वो एक मंच पे आई हैं, तो मेरे लिए बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है, वो भी नीरज जी की उपस्थिति में आज यहाँ पे। मेरे पिता जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के स्टेज पे चढ़ाया था वो यहाँ उपस्थित हैं। मेरी पत्नी जिन्हें मैं अपनी गुरु भी कहता हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन में क्या नहीं बनना है। शैलेश जी के बारे में आप कुछ दो शब्द कहें। जीवन में प्रत्यक्ष इस रूप में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान इसको उन्नति करे और हमेशा अपना नाम रोशन करे और कुछ न कुछ ऐसा करे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया हो और उसमें उसका नाम उज्जवल, बस यही भगवान से प्रार्थना।